हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड की शोभा पे। मैं हूँ आपकी दोस्त शोभा, और ये आज का मेरा वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसे मैं मुझे ब्लू स्कार्फ ही पहनना था। तो लीजिए, मैं रेडी हो गई। और ये चादर, जैसा कि आप देख ही रहे, बीच में मेरा पुराना होके फट चुका था, तो मेरे हस्बैंड नया चादर ले आए, तो मैं सोची कि चलो आज इसको चेंज ही कर देती हूँ। और मैं इतना टाइट बेल्ट करती हूँ कि ये जल्दी निकलता ही नहीं है। और ये ईयरफोन मेरे बेटा ऑनलाइन क्लास करते करते आज रख गया था, तो मैं चादर चेंज करने आ गई। चादर को मैं तो पहले मैं जो भी बेड है उसको मैं झाड़ देती हूँ कोई भी कपड़ा से, जैसे मुझे जो कपड़ा थोड़ा बड़ा टाइप मिलता है। और पलंग तो मैंने साफ़ की ही थी, लेकिन जब चादर उठाई हूँ तो उसको भी झाड़ ही देती हूँ। और ये मेरा चूड़ी, कल मैं मार्केट गई थी तो वही चूड़ी मैं पहन के गई थी, तो वहाँ रख दी थी। और वो स्टील का जो बर्तन दिख रहा है उसमें मैं क्वाइन रखती हूँ, जैसे हम लोग पानी वाटर फिल्टर से लाते हैं, तो वही क्वाइन सब रखती हूँ। और ये चूड़ी मैं इस अपने चूड़ी केस में रखने आ गई, ज़्यादा चूड़ी है तो उसमें नहीं अट पाता, तो वो डब्बे में मैं रख दी। और एक चूड़ी इस मिसप्लेस हो गया था मेरा, मेरे बेटा यहाँ वहाँ खेल के कर दिया होगा, तो वो भी मुझे मिल गया, तो मैं रखने आ गई। और फिर मैं इसे झाड़ ले रही हूँ, ऐसे साफ था ही, फिर भी झाड़ना भी ज़रूरी था। और मैं चादर मंगाई थी, तो चादर को मैं आज सोची कि बिछा देती हूँ। कल रात मिला था तो कल ही मुझे बिछाना था, मगर मुझे तो कुछ काम आ गया था, सो मैं बिछा नहीं पाई, तो यही मैं चादर को बिछाने आ गई थी। और ये पतला चादर है तो मुझे धोने में आसान रहता है, और ज़्यादा हैवी हो जाने से, जैसे कैसमेट का, तो थोड़ा खंगालने में दिक्कत होती है। और मैं वॉशिंग मशीन में तो कपड़ा धोती नहीं हूँ, हाथ से ही सारा काम करती हूँ, तो इसलिए मैं बोली कि आप पतला ही चादर लाइएगा। लेकिन एक हैवी भी आ चुका है, और ये मैं साइड से फंसा देती हूँ और निकलता नहीं है मेरे चादर। और ये मैं पिलो कवर भी चेंज कर दे रही हूँ, बाकी सब साफ ही था, लेकिन ये भी साफ था, तो फिर मैं सोची चलो छोटा वाला का चादर चेंज कर देती हूँ। और सारा सामान मेरा फोल्ड हो चुका है, और ये मेरा पीला वाला दुपट्टा है। और यहाँ मैं आ गई ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने, ये मैं हमेशा पोंछते रहती हूँ, लेकिन बस इन लोग क्या करते हैं बच्चे कि सामान सब आगे पीछे करके रख देते हैं, तो इसलिए मुझे, और पाउडर लग कोई लगाएंगे चाहे कोई क्रीम, तो जहाँ जो जैसा है बस वैसा नहीं रखना, इधर उधर कर देना है। तो इसको मैं सजाने लगी, और बस इसे ही ठीक कर रही हूँ, ऐसे ये ठीक ही रहता है, लेकिन कभी कभार इन लोग बिगाड़ देते हैं। ये मेरा बिंदी का पत्ता, और ये भी मेरा साफ़ हो गया। देखिए, कुछ परेशानी तो नहीं रहती है साफ़ करने में, थोड़ा सा बस पाउडर उडर गिर जाता है, और इन लोग के बाल छोटे थे, एक आध बाल भी गिर जाते हैं। और मैं देख रही थी कैमरा में कि पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कभी कभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ और होता ही नहीं है मुझसे, तो वही मैं देख रही थी। और इसमें मैं अपने कान का रखती हूँ, मतलब इयर रिंग्स सब रखती हूँ, और गले का। और इसमें भी छोटा मोटा कैंची वैंची रखते हैं हम लोग, जैसे कोई ज़रूरत पड़ा तो कहाँ खोजने जाइएगा, तो एक डब्बे में रहता है तो ठीक रहता है, आसानी से मिल जाता है। और ये आईना है, तो कभी कभार ये भी काम आ ही जाता है। और फिर मैं यहाँ आ गई सोफ़ा झाड़ने के लिए, हम लोग बड़े वाले सोफ़ा में ज़्यादा बैठते तो ये साइड से लटक जाता है इसका कपड़ा, तो वही मैं कुशन को उस सोफे में करके। और यहाँ लाइट इसलिए ज़्यादा है कि खिड़की से कांच ग्लास का है, फिर भी बंद भी कर दीजिए फिर भी एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, हम लोग का घर पूरा खुला खुला सा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इस साइड भी पूरा एकदम दरवाज़ा सब खोल दीजिए तो दिन भर हवा भी आती रहती है, डस्ट भी उतना ही आता है, और घर भी खुला खुला सा है तो ठीक लगता है, मगर कुछ ज़्यादा ही खुला खुला है तो देखिए पूरा लाइट आते रहता है। बस वही सोफ़ा का कवर बैक की जो है उसको ठीक करना रहता है झाड़ के, और हम लोग झाड़ शाम को भी झाड़ते हैं और सुबह भी झाड़ते हैं, तो डस्ट सोफ़ा पे उतना नहीं रहता है, फिर भी हमेशा झाड़ते रहने से ठीक ही रहता है। और यहाँ मैं सोफ़ा को झाड़ चुकी हूँ, और अब मेरा छोटा वाला सोफ़ा का बारी है,
तो छोटे वाले सोफा में भी वैसे कुछ सामान नहीं रहता, लेकिन ये दोनों जो किताब कॉपी है तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ाती हूँ बच्चों का ही, इसी से मैं देती हूँ बच्चों को। तो मेरे घर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे कोई बुक दे देता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बच्चों को उससे पढ़ाना, नया नई चीज़ की जानकारी देना। और ये साइड से इस पर तो हम लोग बैठते ही नहीं है, सोफा पे लटक जाता है, लटकता तो नहीं है, मैं देख रही थी कि कहीं कुछ मतलब छिपकली का बच्चा वगैरह तो नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं आ मत जा, अभी गर्मी है बारिश है तो छिपकली के बच्चे बहुत घूम रहे हैं। और उस सोफे पे मैं बैठ के पढ़ाती हूँ, मुझे इजी लगता है, उससे कमर भी दर्द नहीं होता, नहीं तो ऐसे नीचे बैठ के पढ़ाने से, या चेयर में मेरा कमर में बहुत पेन होने लगता था तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, तो वही मैं उसको ज़्यादा ठीक करना पड़ता, उसको हमेशा ही ठीक करते रहना होगा, नहीं तो या तो लटक जाएगा या मुड़ जाता है उसका बैक की। और कुशन के रहने से मुझे बैक में प्रॉब्लम थोड़ा कम होती है, और वहाँ मैं अपना पेन सब रखती हूँ या बच्चे पेंसिल छोड़ जाते हैं तो। और हम लोग का ये हॉल में ही टीवी है, टीवी को हम लोगों ने दीवार में इसलिए नहीं लगाया कि हम लोग रेंट के घर में हैं, तो पहले भी थे तो वहाँ भी दीवार में नहीं लगाए थे, अब इतना झंझट कौन करे, दीवार में लगाए फिर खाली किए, खाली तो ऐसे जल्दी हम लोग नहीं है करते हैं जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये हम लोग ये भी मैं डेली साफ करती हूँ इसलिए उतना गंदा नहीं रहता है, बस डस्ट वगैरह आ गए तो आ गए। और ये जियो फाइबर मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास था तो दोनों का, तो बस हम लोग को लगाना पड़ा, नहीं लगाने से फिर उतना नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसमें भी डस्ट बैठ ही जाते हैं। और ये मेरा फ्रिज है, तो फ्रिज मेरा अभी तो ख़राब है, लेकिन यूज करती हूँ, कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी मतलब बर्फ़ नहीं जमता है उसमें, तो फ्रिज को मैं पूछ रही थी। और ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं फ्रिज का, कभी कभार ही करते हैं, तो उसमें उतना सामान मैं नहीं रखती हूँ। और ये मैं बाहर से उससे पूछ रही थी, घर के काम करना तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे इससे अच्छा टाइम बीत जाता है, मुझे अच्छा लगता है, इसी बीच कोई आ गया तो मैं उससे बात भी करते रहती हूँ और अपना काम भी करते रहती हूँ, मुझे हेडेक बिल्कुल भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है काम करते रहना, अपने आप को बिजी रखना, चलिए कोई भी चीज़ में। सुबह से तो मैं खैर बहुत ही बिजी रहती हूँ, थक जाती हूँ एकदम, तो बस अब जब तक आप दरवाज़ा नहीं बंद कीजिएगा तो झाड़ू भी नहीं होगा, तो देखिए फिर उड़ के वो मुड़ जाता है बार बार, इसलिए मैं दरवाज़ा हमेशा हर साइड से बंद ही करके ही झाड़ू करती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू करने आ गई हूँ क्योंकि बाहर से इतना हवा आएगा कि इधर हॉल का कचरा बेडरूम में, बेडरूम का कचरा हॉल में, इसलिए हर साइड से बंद करना पड़ता है, पूरा खिड़की उड़की सब मैं बंद कर, हालत ख़राब हो जाती है एकदम गर्मी में। और देखिए ये मैंने स्कार्फ बांधा है तो थोड़ा मुझे दिक्कत भी हो रही है सांस लेने में, तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी बीच में कि नहीं बाबा नहीं बना सकती मैं, ये भी एक चैलेंज ही है, सोचिए तो मेरे लिए बहुत हार्ड चैलेंज था ये मेरे लिए। और यहाँ पर तो बिना बैठे झाड़ू ही नहीं होगा, क्योंकि खड़े खड़े अब वॉशिंग मशीन के नीचे, फ्रिज के नीचे, तो झाड़ू टूटने लगेंगे और कचरा भी नहीं निकल पाएगा, तो मुझे बैठ के ही करना पड़ता है। और ये वॉशिंग मशीन के ऊपर भी छोटा छोटा मैं आसनी बुन के रखी हूँ, और चटाई है, जब बच्चे भी नीचे अगर ज़्यादा ठंडा रहता है तो मतलब बारिश में भी तो नीचे बैठते हैं। और ये मेरा बुक्स वगैरह है बच्चों का। और ये बेडरूम में मैं यहाँ कॉर्नर से झाड़ू स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पलंग हम लोग थोड़ा बीच में रखे हैं इसलिए कि पलंग के नीचे ज़्यादा गंदा ना हो और दोनों साइड से मैं झाड़ू कर सकूँ और पोछा भी, क्यों गंदा नीचे रहता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उड़ के जाला सब चल ही जाता है तो बड़े झाड़ू में डंटा बांध के वो मुझे निकालने पड़ते हैं, गंदा तो खैर होना ही है, गंदा नहीं होगा तो मैं सफाई किस चीज़ का करूँगी। और ये मैं बेडरूम में इस साइड भी हम लोग का एक बालकनी है तो वहाँ मैं सफाई करने आ गई, झाड़ू कर रही हूँ, नीचे नीचे मैं कर ली, तो उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, तो बोले ना हॉल का कचरा आ जाएगा, बेडरूम में भी तिरछा दिखता है तो बेडरूम से पूरा। और इसके बगल में है हम लोगों का वॉशरूम, तो वहाँ हम लोग जो पैर पोछना रखते हैं उसको तो धूप में डालना बहुत ज़रूरी है, तो बालकनी में पूरा हम लोगों का धूप आता है, पूरा एकदम रूम तक आता है, तो दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है, नहीं तो रूम पूरा गर्म हो जाता, तो वही मैं पायदान को बाहर बालकनी में धूप में डाल रही थी, तो उससे भी डस्ट गिर ही जाता है। और ये मेरा हो चुका है सफाई, और ये बच्चों का डस्टबिन है जिसमें वो पेंसिल वगैरह छील के डालते हैं, तो ये हॉल में ही रहता है, कचरा मैं फेंक दी हूँ। और ये मेरा हो चुका है यहाँ पर सफाई का लास्ट ही है, और उधर किचन के साइड से एक डस्टबिन है, मैं उसी में रखती हूँ, और जब कचरे वाले आते हैं, गाड़ी आता है, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। और ये बस अब किचन साफ़ करना बच गया, क्या करूँ।
तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा क्लीनिंग का वीडियो कैसा लगा। थोड़ा परेशानी तो हुई सांस लेने में, और गर्मी भी दिख रहे हैं आप, बाहर उमस वाली मौसम है, परेशानी हुई, मगर मुझे अच्छा लगा रिक्वेस्ट पूरा करना। तो आप लोगों का कोई रिक्वेस्ट हो तो बताइए। थैंक यू।